लोग ये रहोगे आज नहीं के साथ? क्यों ये रह लो यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। फ्रेंड्स, आज लाई थी दादी हमारे लिए समोसे, क्योंकि दादी गई थी पखाल। पखाल में था दादी को काम, तो इसीलिए हम वीडियो थोड़ा देर बाद बना रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो मौसम था तो कुछ देर के लिए इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, आप मेरे पीछे सारे बादल देख सकते हैं वाइट कलर की, तो जो ये थे तो यहाँ पर ऐसा हो गया था कि धूप आई नहीं रही थी, सूरज बस बादलों के अंदर दिख रहा था। तो अब तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ आ जा चुकी है धूप। यहाँ आप देख सकते हैं कि नगरों में भी धूप जा चुकी है और नगरों से ऊपर भी अभी धूप है। तो जैसे ही सारी जगह धूप चली जाएगी, वैसे यहाँ रात पड़नी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम चल रहे हैं इवनिंग वॉक पे, सॉरी वॉक पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे यहाँ का शॉर्टकट रास्ता, तो आगे चलेंगे। और आपने अभी देखा चिड़ियों की चू 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 चहचहाट से, और प्यारे से वृक्ष का नज़ारा सामने दिख रहा है, माँ चंद्रवदनी का मंदिर, बादलों के साथ बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के साथ। तुम लोग ये रहोगे आज नहीं के साथ? क्यों ये रह लो यार, वीडियो बना रही है। वीडियो बना रही है? कहाँ से आए आप लोग? हम निकल रहे हैं। अच्छा, आपके पास है? आप भी वहीं से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी टेंट लगे हुए हैं तो वो लकड़ियों के स्लीपर बनाने के लिए लगे हैं। तो जो यहाँ पर चिरान का काम कर रहे हैं, तो उनके रहने खाने के लिए यहाँ पर ये टेंट लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सड़क वालों के लिए बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ टेंट लकड़ी लाने वालों के लिए बने हैं और कुछ टेंट सड़क पे काम करने वालों के लिए। कुत्ते के काम पे लगे हो आजकल? पूछो उसका नाम, पूछो क्या है, दोस्ती करो उससे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कैसे एक बच्चा सड़क पर अपने परिवारों के साथ रह रहा है, मिट्टी से भरा हुआ है। अबे हो गया ये पुस्ता वाला, यहाँ पर हो गया पूरा। अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी से शिकायत होती है, लेकिन इस बच्ची को क्या शिकायत होगी? सारी रखी हुई।
ये वो लोग हैं जिन्हें जहाँ काम मिलता है ये वहीं अपना आसियाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ सड़कों पर रह रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने बच्चा देखा वो सिर्फ 3 साल का था। लोग अपनी ज़िंदगी में जिद करते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तो उस बच्ची के पास क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम तो जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक अभी तक पूरे 3-3 कंबल और 1-2 रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, तो फिर इन लोगों के लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी के लोग देखे, एक थे हमारे गढ़वाल के, दूसरे थे नेपाल के। तो आपने गढ़वाल के लोगों में देखा कि वो भी टेंट में रहते हैं, और नेपाल के लोगों में देखा जिसमें था एक छोटा सा बच्चा। अक्सर लोग कहते हैं कि नेपाल के लोग ही ऐसे रहते हैं, बल्कि नहीं, हमारे गढ़वाल के लोग भी ऐसे रहने के लिए मजबूर हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए वो वाचिंग वेलकम।